श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराया और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके हराया है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके हराया है। उसके बाद WTC पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका ने काफ़ी बड़ी उछाल मारी है। न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो तीसरे नंबर पे थी, श्रीलंका जो पांचवें नंबर पे थी, लेकिन श्रीलंका जो है वो सीधे तीसरे नंबर पे आ गई। लेकिन उससे पहले आप लोग को बताते हैं कि श्रीलंका ने किस प्रकार से मुकाबले जीते हैं। श्रीलंका की टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी करने के लिए आती है और 602 रन बनाती है। उसके बाद जो है पाले अपना पारी जो है डिक्लेयर कर देती है। उसके बाद कामेंडू मेंडिस जो है सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं और वहीं न्यूजीलैंड की टीम आती है। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 88 रन बनाती है और 88 रन पर 10 विकेट अपना खो देती है। उसके बाद श्रीलंका की जो टीम है वो बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आती, अपना पारी जो है फिर से उन्होंने डिक्लेयर कर ही दिया था। उसके बाद फिर से न्यूजीलैंड की टीम आती है, 360 रन आती है, 10 विकेट खो देती है। तो यानी वहीं जो श्रीलंका की टीम है वो एक पारी से और 154 रनों से जो है वो मुकाबले को जीत लेती है, टेस्ट मुकाबले को। उसके बाद जैसे ही मुकाबले जीतती है उसके बाद WTC का जो है पॉइंट्स टेबल अपडेट हो जाता है और WTC के पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका की जो टीम है वो तीसरे नंबर पर आ जाती है। यानी श्रीलंका की जो टीम की उसकी विनिंग जो परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज जो है वो 55.56% है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है तो ऑस्ट्रेलिया की जो विनिंग परसेंटेज है 62% है। अगर श्रीलंका की टीम एक मुकाबला भी जीतती है तो श्रीलंका की पॉइंट्स की लगभग बराबरी कर लेगी। वहीं टीम इंडिया के जो है 71 पॉइंट्स हैं तो टीम इंडिया के भी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि टीम इंडिया जो है वो टीम इंडिया नंबर वन पर ही रहेगी, क्योंकि टीम इंडिया नंबर वन पर है अगर और टेस्ट मुकाबले जीतती है तो। लेकिन वहीं श्रीलंका जो है वो तीसरे नंबर पर आ चुकी है और भी और सारे मुकाबले श्रीलंका को खेलना है और वहीं अगर श्रीलंका की टीम जो है वो मेहनत करती है तो श्रीलंका की टीम जो है वो श्रीलंका की टीम और इंडिया जो आपस में भिड़ सकती है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के भी टेस्ट मुकाबले चल रहे हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा, वहाँ अगर इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो इंडिया नंबर वन पे बरकरार रहेगी। लेकिन वहीं श्रीलंका की टीम ने यहाँ बाजी पलट दी है। श्रीलंका की टीम ने जिस प्रकार से अपने पॉइंट्स में इजाफा किया है, वहीं पॉइंट्स जो है वो 60 पॉइंट्स हैं श्रीलंका की टीम्स की, लेकिन वहीं विनिंग पॉइंट्स जो है वो 55 पॉइंट है श्रीलंका की टीम की और वहीं ऑस्ट्रेलिया के 62 है और इंडिया के 71% है विनिंग पॉइंट्स। और WTC में जो है वो विनिंग पॉइंट्स के हिसाब से ही टीम फाइनल खेलती है। तो टीम इंडिया का तो अभी तो विनिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, लेकिन श्रीलंका की टीम भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है।